गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। आज हम पाठ 7 करोतु संस्कृत से पढ़ेंगे। करोतु का मतलब होता है करना। करोतु का मतलब होता है करना। पाठ वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे। पाठ में ऐसा आया है, ऐसा हम पुल्लिंग के लिए करते हैं और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए होता है, और तत् नपुंसक लिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग हम करते हैं। तो इतना पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आपके पाठ में वर्डिंग सभी बच्चे ध्यान देंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 24। सचिना चित्र में देखो ना, सचिना ऐसा सचिना सचिना खेलती, तो सचिन लड़का है ना, पुल्लिंग है उसके लिए ऐसा। सचिन यह सचिन है, सचिना खेल रहा है, खेलती मतलब खेल रहा है। फिर वेदांता ऐसा वेदांता वेदांता पढ़ती, ये वेदांत है ना, और वेदांत पढ़ रहा है। दिव्या, अब दिव्या की जगह क्या आ गया, ऐसा ऐसा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो हम ऐसा दिव्या दिव्या लिखती। ये एग्जाम में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए। तो जब क्लास में समझाया जाता ध्यान नहीं देते हो आप, ध्यान दीजिए। फिर मीरा, ऐसा मीरा मीरा गायती, तो मीरा क्या है, लड़की है ना, उसके लिए हम क्या लगाएंगे स्त्रीलिंग, ऐसा मीरा गाना गा रही है। क्रिया हो रहा है विमानम, अब विमानम ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, क्या है नाम लिखे निर्जीव है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे तत् है ना, तत् विमानम विमानम क्रियते। ठीक है, एरोप्लेन को संस्कृत में क्या कहते हैं, विमानम। विवेका ऐसा विवेका विवेका पश्यति, यह विवेक है, विवेक क्या कर रहा है देख रहा है। कपिला ऐसा कपिला कपिला चिपती, मतलब बालों को पकड़ रहा है कपिल। मयूरा ऐसा मयूरा मयूरा स्मृति, स्मृति मतलब सुन रहा, क्या सुन रहा है गाना। निशा ऐसा निशा निशा बदती, बदती यानी बोलना, यह निशा है और निशा बोल रही है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए, इसके बाद आप टेक्स्ट में जो मीनिंग दिया है रोशनी वो आपको लिखना है, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए नोटबुक में। आपको समझ आया है? यस। पार्ट वापस में लिखाऊंगी भी, अभी हम रोशनी लिखेंगे यानी मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ध्यान दीजिएगा। फिफ्टी मार्क्स का पेपर है, फर्स्ट वन है खेलती, इस प्ले है ना, खेलती मतलब इस प्ले प्ले।
नंबर गायत्री ये हो गया आपके नोटबुक में, यहाँ लिख देते चलिए नंबर सेवन नंबर हो गया, एट नंबर यहाँ से लिखिएगा गायत्री नोटबुक में। फिर आगे हम लेसन का ट्रांसलेट करेंगे।